हमें शर्म आती है, आप लोग जब बोलते हैं बुलडोजर राज, एक मकान बनाने में किसी को जीवन लग जाता है और मकान तोड़ने में एक मिनट लगता है, ऐसे योगी सरकार का मैं बहिष्कार करता हूं और जोर से बहिष्कार करता हूं कि गरीबों का बुलडोजर चला के मकान तोड़ा जा रहा, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा कि एक मकान को, एक घर को बनाने में किसी का जीवन लग जाता है और उनको तोड़ने में एक मिनट नहीं लगता, ऐसे लोगों को सीएम पद पे नहीं रहना चाहिए। ग्रामीण रोजगार योजना के तहत 100 दिन का काम करने वाले मजदूरों की रकम पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार को बकाया रखी है। इसके अलावा स्टेट जीएसटी की बकाया रकम और मणिपुर व हरियाणा हिंसा के विरोध में आज पूरे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की ओर से धरना और विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी सिलसिले में आज महानगर के वार्ड नंबर 36 के बेलिया घाटा बर्फगल के पास वार्ड नंबर 36 के पार्षद सचिन सिंह के नेतृत्व में एक धरना मंच का आयोजन किया गया। पार्षद सचिन सिंह ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि आपको बंगाल के गरीब और मजदूर लोगों से आखिर क्या दुश्मनी है कि आपने उनकी मेहनत की मजदूरी देने से इनकार कर दिया। सचिन सिंह ने कहा कि बुलडोजर के नाम पर भाजपा की सरकारें लोगों का घर तोड़ने का काम कर रही हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या ही हो सकता है कि आज न्याय व्यवस्था को ताक पर रखकर भाजपा सरकार लोगों के आशा ने तोड़ने का काम कर रही है। इस धरने में सैकड़ों की संख्या में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। सिर्फ 36 नंबर वार्ड में नहीं, बंगाल के हर एक कोने में अब ये धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। ममता बनर्जी के कहने पे ये जो नीचे तबके के लोग जो 100 दिन के रोजगार का पैसा बीजेपी सरकार राजनीति प्रतिहिंसा के रूप में रखी है, उस आंदोलन को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते रहेंगे और उनको बाध्य होना पड़ेगा कि जो गरीबों का पैसा वो रोक के रखे हैं राजनीतिक प्रतिहिंसा के रूप में, उनको देना ही पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में क्या आप लोग स्टेप लेंगे अगर केंद्र सरकार कुछ भी नहीं मतलब नहीं करती इसको लेकर? देखिए, इसके लिए हमारी जननेत्री का जो निर्देश होगा, हर एक पथ पे, हर एक पग पे उनके कथन अनुसार, उनके कहे अनुसार हम आंदोलन करते रहेंगे और एक भी कदम हमारा पीछे नहीं हटेगा, चाहे वो ईडी की मारो, चाहे वो सीबीआई की मारो, चाहे वो पुलिस प्रशासन की मारो, हम पश्चिम बंगाल की जननेत्री के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। मोदी जी का ये कहना है कि जो इंडिया अलायंस बना है, ये दरअसल जितने घपलाबाज है सब अपना घपला को छुपाने के लिए एकजुट हुए। अगर मैं एक बात बोलूं कि आपको समझना पड़ेगा कि जितने भी लोग बने हैं सब लोगों ने वोट देके उनको, वो लोग वोट से जीते हुए हैं, और अगर सबसे बड़ा घपलाबाज अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है, सबसे बड़ा जुमलाबाज अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है, क्योंकि 2014 के सत्ता में जब वो आए थे तो उन्होंने बोला था हर एक गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपए आएगा, और सबसे बड़ा घोटाले के रूप में आप जीएसटी बोलो, आप नोटबंदी बोलो, या 15 लाख रुपए का जो पैसा या रोजगार का जो उन्होंने बात बोला था, एक भी वादा उन्होंने पूर्ण नहीं किया, सिर्फ उन्होंने मन की बात की है, मणिपुर की बात नहीं की है। इसलिए अगर घोटालेबाजों का नंबर में अगर सबसे प्रथम नाम आएगा तो वह नरेंद्र मोदी और दूसरे नंबर में अमित शाह का आएगा। राहुल गांधी को जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, क्या लगता है 2024 की लड़ाई आप लोग के लिए बहुत आसान हो गया है? देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं हो सकता। राहुल गांधी की जीत हुई है, इसके लिए हम लोग सब बहुत खुशी हैं, और मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी को जैसे न्याय मिला है, भारत की जनता को भी आने वाले दिनों में इस नरेंद्र मोदी सरकार से न्याय मिला। क्या संदेश यहां से देंगे? यहां से ममता बनर्जी का जो आवाज़ है, 100 दिन का जो पैसा इन्होंने रोक के रखा है, ये किसी के बपौती पैसा नहीं है। राजनीतिक प्रतिहिंसा में अगर इन्होंने पैसा रोका हुआ है तो मैं पश्चिम बंगाल की जनता से, आवाम से और 36 नंबर के आवाम से अनुरोध करूंगा कि एक साथ एक स्वर में ममता बनर्जी की आवाज़ को बुलंद करिए और इस पैसा को पश्चिम बंगाल के आवाम के लिए, जो 100 दिन के रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, उनके उन गरीबों के लिए इस पैसा को वापस करने का आप आह्वान करिए। यूपी में जो जिस अंदाज से बुलडोजर राज चल रहा था, वो मध्य प्रदेश और हरियाणा तक इसकी ये मतलब दिख रहा है, क्या बोलेंगे इस तरह की कार्रवाई को? देखिए, हमें शर्म आती है, आप लोग जब बोलते हैं बुलडोजर राज, एक मकान बनाने में किसी को जीवन लग जाता है और मकान तोड़ने में एक मिनट लगता है, ऐसे योगी सरकार का मैं बहिष्कार करता हूँ और जोर से बहिष्कार करता हूं कि गरीबों का बुलडोजर चला के मकान तोड़ा जा रहा, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा कि एक मकान को, एक घर को बनाने में किसी का जीवन लग जाता है और उनको तोड़ने में एक मिनट नहीं लगता, ऐसे लोगों को सीएम पद पे नहीं रहना तो चाहिए। हरियाणा में जो हुआ, आप क्या लगता है कि वहां की जो सरकार अपना नाकाम हुई है हिंसा को रोकने में? एकदम मैं इसका तीव्र हिंसा मतलब वो करता हूँ कि जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है, इसलिए ज़रूरी हो गया भारत की आवाम जगे और ये जो जुमलेबाज सरकार है इसको हटाए, क्योंकि आप देख रहे हैं 2014 से लेकर अभी तक हर एक राज्य में हिंसा ही और हिंसा हो रहा है, ऐसे सरकार का यहाँ पे और रहना ठीक नहीं है। ये हमारे हम लोगों के भविष्य का लेके खतरा है, हमारे लोकतंत्र का लेके खतरा। एक युवा नेता तृणमूल कांग्रेस का है जिसे माँ माटी मानुष की नेत्री ने टिकट दिया और हम लोग इनके साथ हैं,
क्योंकि 36 वार्ड का उन्नयन आज 50 साल से रुका हुआ था दोस्तों, और सारे उन्नयन के कार्य आज इन्हीं के राज्य में और माँ माटी मानुष की नेत्री ममता बनर्जी के सहयोग से हमारे पौर पिता हर क्षेत्र में, पानी का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, किसी भी सुविधा असुविधा में अब दिन रात खड़े रहते हैं। वेलकम टू के मॉल, अ प्रीमियम प्रोजेक्ट बाय कलीम ग्रुप। के मॉल इज इन द हार्ट ऑफ कोलकाता'स इलेक्ट्रॉनिक गारमेंट एंड लाइफस्टाइल हब खिदिरपुर। K Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now